तो देखो अपन फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफ या विधि से गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेग समय वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे अपन लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पे लेते हैं अपन वेलोसिटी। ठीक है, अब टाइम एक्सिस पे जब टाइम जीरो होता है उस समय वेलोसिटी होती है यू, जिसको अपन इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और कुछ टाइम इंटरवल बाद सर्टेन टाइम है ये टी, उस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हो जाती है वी, मीन्स अंतिम वेग है इसका वी। तो देखो कंडीशन होती है इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण की गति है, तो एक समान त्वरण में क्या होगा, वेग समान रूप से बढ़ता है, और समान रूप से बढ़ता हुआ वेग जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है मीन्स यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो स्ट्रेट लाइन आपको कर्व मिलेगा। तो ये आपका सिंगल लाइन जो है यही कर्व है। अब देखो इस कर्व में अगर अपन वैल्यूज डिनोट करें तो ये जीरो टू यू ये वैल्यू है यू, एंड जीरो टू टी ये वैल्यू है टी। सपोज अब देखो यहां पर अपन इस ग्राफ को टू एरियाज में डिवाइड करेंगे, एक अपर साइड एरिया आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर की तरफ त्रिभुज दिख रहा है, और नीचे जो है आयत दिख रहा है। ठीक है, ये है रेक्टेंगल, तो आपको टू एरियाज दिख रहे हैं, दो क्षेत्रफल दिख रहे हैं, एक ये है ट्रायंगल और दूसरा ये है आपके रेक्टेंगल। क्लियर, अब रेक्टेंगल की साइड आपके पास टी है यू है, ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है आपके परपेंडिकुलर वाली साइड, ये देखो ये यू और वी है, तो ओनली दिस साइड की वैल्यू होगी वी माइनस यू, तो ये साइड आपको वी माइनस यू से डिनोट करनी है। अब ये आपका पूरा कंप्लीट कर्व है विद वैल्यूज। अब आपको देखो इसमें आपको अगर वैल्यूज फाइंड करनी है या इक्वेशन डेराइव करनी है तो आपको ये टू पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। देखो आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो इसके अंडर जो एरिया आता है, एरिया टू टाइप्स ऑफ एरिया, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, दो प्रकार के क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो टोटल एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। और इसका जो ग्राफ का स्लोप है, ग्राफ आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप अपन ये थीटा मीन्स टैन थीटा से डिनोट करेंगे स्लोप, तो स्लोप आपको प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन। इन्हीं की हेल्प से अपन क्या फाइंड करेंगे, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको स्लोप फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, जो भी ट्रायंगल दे रखा है इसका स्लोप, और स्लोप ऑलवेज ढाल जो है हमेशा टेन थीटा से फाइंड करते हैं। स्लोप देखो टेन थीटा से फाइंड करते हैं अपन, ढाल कहते हैं स्लोप को, है ना, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो देखो परपेंडिकुलर है v माइनस u, और बेस है ये वाली साइड जो कि t है। अब आपने देखो स्लोप ऑफ vt कर्व प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, तो इस स्लोप को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a t इज इक्वल टू v माइनस u, और माइनस का यू शिफ्ट करेंगे इधर तो वो हो जाएगा प्लस का यू, देन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड लिख लिया। ठीक है, तो ये देखो आपको स्लोप से ढाल से मिली गति की पहली समीकरण, इस फर्स्ट इक्वेशन मिली आपको स्लोप से। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया आपको सेकेंड इक्वेशन देगा जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो वापस देखो सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं अपन। सेकंड इक्वेशन में आपको इस कर्व जो स्ट्रेट लाइन गिवन है उसके अंडर एरिया दिख रहे हैं, ये टू टाइप्स ऑफ एरिया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये दोनों एरिया जो गिवन है इनके फॉर्मूलाज पुट करने अपन को एरियाज के। तो देखो ट्रायंगल आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वैल्यूज अपन को पुट करनी है। तो वन अपॉन टू बेस है आपके टी, और हाइट है आपके वी माइनस यू, प्लस इस रेक्टेंगल की लेंथ है टी एंड ब्रेथ है यू। ओके, अब टोटल एरिया अपन को प्रोवाइड करता है
डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसको लिख देंगे एरिया को, तो एस इज इक्वल टू, अब देखो अपन क्या करेंगे, यहां पे आपके v माइनस यू की वैल्यू देखो इस इक्वेशन से पुट करेंगे अपन, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो हाफ इंटू टी, v माइनस यू की जगह अपन पुट करेंगे 80 प्लस ut, इसी को अपन वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं ut टी प्लस हाफ ए टी मल्टीप्लाई टी टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, थर्ड इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, अपन टोटल ट्रेपेजियम जो दिख रहा है आपको समलंब चतुर्भुज है ना, ये टोटल एरिया इसका फाइंड करेंगे, टोटल एरिया। तो देखो थर्ड इक्वेशन के लिए अपन टोटल एरिया जो कि ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको सेप, टोटल एरिया ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स क्या है यू एंड वी, जीरो टू यू यू, ये कंप्लीट जीरो टू वी है वी, तो एडिशन ऑफ वी प्लस यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड टी। तो देखो समान समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं यू और वी है, और इनटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है वो टी है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अपन टी की वैल्यू पुट करेंगे अगेन दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन। देखो टी इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए, तो एरिया अपन को आपको पता ही है, आपको पहले ही बोल रखा है अपन ने, एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू एंड वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इक्वेशन v माइनस यू अपॉन ए, टू और a अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इधर आ गया, s v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर करो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है आपके पास थ्री इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है आपके ग्राफ विधि से तीनों समीकरण। थैंक यू, धन्यवाद।